है ना हम लोग जो है इसको इतना जो है आप दबा दीजिए इसको, बहुत बढ़िया जो है थोड़ा सा जड़ होनी चाहिए। वैसे तो हम लोग जैसे ये होता है स्टेम, स्टेम जो है ना स्टेम ये रहा तो इसको हम गांठ होती है ना जैसे आपको बड़ा हो जाता है तो गांठ से इसको कटिंग करके जैसे गन्ना बोते हैं उस तरीके से भी लगा सकते हैं। लगा ये ना हो तो यहाँ से जड़ जो है फोड़ देता है, एक गांठ ऊपर रहनी चाहिए वहीं से जो है ना वो कहीं आना शुरू हो जाएगा। अच्छा ये बताइए कितना ये सेंटीमीटर का होना चाहिए या कितना इंच का होना चाहिए ये जो आप कटिंग दे रहे हैं? इसमें कोई वो नहीं है, मतलब छोटा भी चल जाता है, जैसे छोटा होगा ये तो अभी आप जड़ दिया है। हाँ, जड़ दिए, जड़ दिए तो जड़ तो है तो जड़ से तो वो ग्रोथ कर जाएगा। हाँ। बट ये अगर स्टेम से अगर आप लगा रहे हैं इसका कटिंग से लगा रहे हैं इसमें तो इसमें कितना होना चाहिए? कम से कम इसमें तीन तो गांठें होनी चाहिए। तीन गांठ होना चाहिए, जैसे दो गांठें आप नीचे दबाओगे एक ऊपर होनी चाहिए। अच्छा, और कितना गहरा में जुताई करना है इसके लिए? गहराई में तो आप उतना जुताई 6-7 इंच। हाँ हाँ, वही 6-7 इंच फिर भी अपना खुरपी से और लगाने के बाद में उस टाइम में खाद भी देना है। हाँ, खाद भी देना है, तुरंत पानी डालना। अगर हम यूरिया और डीएपी का इस्तेमाल ना करें तो उसके जगह पे और क्या डाल सकते हैं? गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं। गोबर की खाद पड़ जाए तो और बढ़िया ही है। हाँ, तो बढ़िया ही गोबर खाद सबसे बढ़िया है। और कितना दिन में ये तैयार हो जाता है? वही 2-3 महीने में थोड़ा जो है ना हमारा ये हो रहा है। कब लगाई थी आपकी? ये 3 महीने का लगभग हो रहा है। अच्छा, ये 3 महीने का। अब फर्स्ट कटिंग हम लोग कितने दिन पे करते हैं? अगर इसको काटने लायक हो गया हम लोग काट देंगे तो नीचे से और कीड़ा जो है ना बढ़िया निकलेगा।